हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक कैसे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो अपडेट निकल के आ रही है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जो कि अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी है ये। तो चलिए आज के वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में पूरा का पूरा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन इसका आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि पल पल की अपडेट जो है आप तक पहुँचती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए। जैसा कि आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड इंडिया की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप और ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की जो है वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, क्या है क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई करने का। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिस का, जिसमें 101 वैकेंसी निकाली गई है। एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन की बात करें तो कह रहा है फुल टाइम डिग्री कोर्स बी बीटेक एएमआईई इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस डली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एआईसीटी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए एंड इनरोल्ड होना चाहिए एट एनएटीएस पोर्टल पे। उसके बाद बात करें अगले पोस्ट की तो ये है टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट। इसमें आप बात करें इस नंबर ऑफ सीट की तो 202 सीट पे बहाली निकाली गई है। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फुल टाइम डिप्लोमा इन माइनिंग या फिर माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस डली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एआईसीटी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इनरोल्ड एट एनएटीएस पोर्टल। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे कोई फीस नहीं रखेगी इस फॉर्म को फिल करने की। उसके बाद आगे हम इसमें बात करते हो बोला कि एप्लीकेंट्स आर नॉट एलिजिबल इन वन ऑफ द केस बिलो। अगर आप इसमें से किसी भी केस में आते हैं तो आप जो है एलिजिबल नहीं है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या जो है कंडीशन दिया हुआ है। तो हु है पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बिफोर 30/6/2017। अगर आपने 30 जून 2017 से पहले जो है अपना डिग्री कंप्लीट किया तो आप इसको फिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद करा कि हु हैव अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक्सेप्ट एज सैंडविच स्टूडेंट। अगर आपने पहले कोई जो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम किया हुआ है तो भी आप फिल नहीं कर सकते हैं इस वैकेंसी को। उसके बाद कह रहा है कि हु हैव अंडरगोइंग प्रेजेंटली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट एनी एस्टैब्लिशमेंट, मतलब आप अभी करेंटली कहीं पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भी आप फिल नहीं कर सकते हैं इसमें। हु हैव इन द एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, अगर आप अभी एम्प्लॉय हैं तो भी नहीं कर सकते हैं। हु इज अंडरगोइंग एनी रेगुलर कोर्सेज ऑफ स्टडी एज ए रेगुलर कैंडिडेट फ्रॉम एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर आप अभी कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो भी आप इसमें वैकेंसी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हु हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 1 ईयर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर कम्प्लीटिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आपने अपना डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद जो है कोई ट्रेनिंग किया हुआ है, अगर 1 साल का भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे कंडीशन आप ध्यान में रख के ही अप्लाई करें, अगर आप एलिजिबल हैं तभी अप्लाई करें। स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड आपको मिल जाएगा जो कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस को मिलेगा आपका 9000 पर मंथ। उसके बाद टेक्नीशियन जो अप्रेंटिस है उनको मिलेगा 8000 पर मंथ। उसके बाद पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो 12 मंथ का जो है यहाँ पर ट्रेनिंग आपका रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो 1 साल के लिए आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको। उस नोट पॉइंट करा कि इट शैल नॉट बी ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ WCL टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू एन अप्रेंटिस हु हैज़ कम्प्लीटेड हिज हर अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो है कोई आवश्यक नहीं है कि आपने 1 साल यहाँ पे अप्रेंटिस कर दिया तो ये आपको जॉब देंगे ही देंगे। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है, 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा ट्रेनिंग पे, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दिया जाएगा कि आपको जॉब मिलेगा। अब कह रहा है कि द सेलेक्टेड अप्रेंटिसशिप विल हैव टू साइन या फिर एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर रूल ऑफ द बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे डिटेल आप जो है इसमें अप्लाई करने से पहले पढ़ लें। सारे के सारे जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिजर्वेशन जो है आपका मिल जाएगा यहाँ पे अगर आप जो है अप्लाई करेंगे तो, जो इनका जो अप्रेंटिस एक्ट है 1961 या फिर 1992 का, उसके अनुसार आपको जो है यहाँ पे छूट मिल जाएगा। जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया आपका होगा SC ST OBC से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे हम बात करें एकोमोडेशन की, तो कोई एकोमोडेशन आपको नहीं दिया जाएगा, रहने खाने का कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं किया जाएगा, वो आपको अपने से करना पड़ेगा। ठीक है, कराए कि नो एकोमोडेशन एंड फूड विल प्रोवाइड फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। उसके बाद प्लेस अप्रेंटिसशिप की प्लेस की अगर बात करें तो करा कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड फॉर अप्रेंटिसशिप एट डिफरेंट माइंस ऑफ WCL। WCL के डिफरेंट डिफरेंट जितने भी माइंस हैं आपको कहीं भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है। उसके बात करें लीव की, तो जो इनके हॉलीडेज प्लान जिस तरह से लिस्ट बनाए हुए हैं उसके अनुसार आपको जो है लीव मिलेगा। कैजुअल लीव जो है 12 डेज का रखा गया, मेडिकल लीव आपको 12 डेज का पर ईयर में मिल जाएगा।
उसके बाद अप्रेंटिसशिप आवर्स की अगर बात करें तो ये जो है अपने अनुसार जो है शिफ्ट आपका तय करके रखेंगे, कितने घंटे का जो है इनको रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आपको बता दिया जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है, तो आपको जो है इसके वेबसाइट पे जाना है और अप्लाई करना है इस वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर के नोटिफिकेशन भी ये डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, और जो है अप्लाई लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर कोई फीस नहीं लग रहा है। उसके बाद आगे हम देखें जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो ये काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। आपके जो है जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो 10th या 12th के मार्कशीट के अनुसार ही जो है यहाँ पे काउंट किए जाएंगे, बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट से आपके डेट ऑफ बर्थ को मान्य नहीं किया जाएगा। देखिए सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू कंडक्ट होगा। आपको सीधा और सीधा अप्लाई कर देना है और आपको जो है मेरिट के अनुसार से यहाँ पे जो है ये जो है बुलाएंगे आपको। अगर आप एलिजिबल हैं हर क्राइटेरिया से, हर तरीके से एलिजिबल इनको लगा, तो आपको बुलाया जाएगा जो है ईमेल के थ्रू, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डायरेक्ट करवाएंगे वहाँ पे और जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जो हो रही है वो है 5 मई 2020 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो आप जो है 19 मई 2020 तक 12 बजे रात तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ये वैकेंसी जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इसी तरह पल पल की अपडेट के लिए इस चैनल पर बने रहिए हमेशा के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।